हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं गांव और गांव में पूजेंगे भैया दूज। तो आपको दिखाएंगे आज हम। तो हम निकल जाते हैं, घर पहुंच के दिखाते हैं आपको भैया दूज कैसे पूजते हैं। तो रास्ते में हम रुके थे नैमिषारण्य में। तो हमको बाबू के लिए खिलौने लेने थे। हमारी भाभी का एक छोटा सा बेटा है, उसके लिए खिलौने लेने थे और चारू भी सो गई थी। तो हमने यहाँ से खिलौने लिए और फिर हम निकल गए थे नैमिषारण्य से घर के लिए। ना हम लोग गुजरे हैं, सही भी हैं, नहा धो रहे हैं। मामी है, नमस्ते कर लो। नमस्ते बिटिया, नमस्ते कर लो। नमस्ते बिट्टू, नमस्ते कर लो। नमस्ते कर लो। आ चली, मन ना करते, जाओ घूम के आओ, घूमी घूमी बाहर जा ही नहीं है। तो भैया दूज की पूजा के लिए यहाँ पे देरी और भुरके कलर किए जा रहे थे, क्योंकि कलर करने से अच्छे लगने लगते हैं देरी भुरके। इसीलिए बहन भी कलर करने लगी थी और मम्मी मेरी बड़ी मम्मी के पैर छू रही थी। तो फिर भैया दूज वगैरह भी रख ली थी बड़ी मम्मी लोगों ने, भाभी लोगों ने मिलकर। हम लेट पहुँचे थे थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे रख गया है। तो यहाँ भैया दूज में भाइयों को बनाते हैं, चंद्रमा बनाते हैं और आप पशु पक्षी। और यहाँ देखिए भाई दूज लिखा गया है, आप कुछ भी बना सकते हैं, पेड़ पौधे, उसको जितना सुंदर बनाना चाहें उतना सुंदर आप दिखा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने जो भी बनाया है, कमल का फूल भी बनाया है, फ्लावर्स भी बनाए। तो हम घर के पीछे साइड गए हुए थे, यहाँ पे देखिए अरबी के पत्ते लगे हुए हैं, कि अरबी लगाई गई थी और नींबू का पेड़ है और एक साइड में चीकू का भी पेड़ लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। के लिए हम देखो क्या लेकर आए हैं। बस दिन का बड़ा, ये देखा छाते छाते खिलाने। खिला लो बहुत, खिला लो बहुत, खिला लो भैया। तुम भैया कहीं पकड़ ले, ये पकड़ दी, ये हो अच्छा, इनके बाहर वो कर दी, पकड़ दी, ऐसे ऐसे पकड़ दी, ऐसे ऐसे। चुम्मी अम्मी कर ली, किसी सी कर ली है। हाँ भैया ने, आ जा आ जा मेरा भैया, आ जाए, हम चारू को नहीं लेंगे। है बाबू है, चल चिकुआ बिट्टू भैया के लेना है, ठीक इसको है? ले ले, इसको घर ले चले हैं, छोटा भैया है। ले ले, हाँ जा रहे, जा हुई रहे, हुई पेड़ बढ़िया लगा है ना, बता ये कितनी जल्दी हरी आते हैं ना सेंजन के पेड़। दद्दो एक पीछे लगा, इससे लगा ही नहीं पापा भैया, इधर देखो, इसमें देखो। भैया खिलाओ, भैया खिला लो, बैग ले लो, बैग ले लो, भैया ले लो, रही लही रही है, दबा पकड़ रही है, ले लो भैया, ले लो, ले लो भैया, कहीं बउआ है भैया, कह सब किस्सी कर दो भैया, भैया कौन किस्सी कर दो, किस्सी कर दो, सतमा तो छोटा है। नमस्ते दुआ, नमस्ते दुआ, और दुआ सब ठीक, चाची कितनी दूर तो आ रही है, बड़ी देर में पहुंची आए। भैया को दे दो डब्बा, ये देखो छोटा भैया है, देखो चॉकलेट खा लो, चॉकलेट। ए भैया गिर गया, उठाओ इसको, भीतर है टांगी भैया। यहाँ पे देखिए भाई दूज के लिए चूरा और कुलिया की पूजा होती है। तो देखिए सबने अपने अपने चूरा कुलिया रख दिए थे और सब बैठ गए थे पूजा के लिए, कथा वगैरह कहनी थी। सो रहे आरू का भैया, देखे इधर देखे, अच्छा आरू आ गया है भाई, सारे अरे भाई तो भैया आ गया है, तो दिख नहीं रहा है फोन में, ये इधर पूज के आए गए। ये देखो चारू बहुत खुश है, आरू देखे चारू। ये तो पूजा स्टार्ट हो गई थी और बड़ी मम्मी लोग कहानी कहने लगी थी, तो इसमें कहानी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग
जब कहानी खत्म हो जाती है तो हम भाई दूज पे जो है जो भी चूरा कुलिया होता है वो थोड़ा अच्छा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी वगैरह चल रही है। तो रुई के छोटे छोटे गोल गोल से ऐसे कंगन टाइप से बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से जैसे अंगूठी होती है ना उस टाइप से गोल गोल बना के। यहाँ पे देखिए बेरी का भी यूज़ होता है, उसमें हम पहनाते हैं। तो देखिए कुछ लोगों ने पहना दिए थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हम फिर पहनाने लगे थे। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी राई भी डाली जाती है, उसको एक गाना होता है राई वाला, तो उसमें हम लोग राई भी बीनते हैं। बने रहिए और देखते रहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मौसी है सतानी का बुला रे परी तुम आ गई, गिर जाओ आके मेरे ऊपर। गिर जाओ अब वो क्यों करेगा है तो मैं जमाऊं मेकअप भी किया बना लूंगा भी जमाऊंगा क्या नहीं 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 इमान ले सब कोई जमा नहीं है ये सब कोई ले ये वो कोई ले रही है सही से हो ले भाभी टूटा कह रही सुधारे के नहीं है ये हाँ टूटा सुधार दिया होती तो सुधारा जाते जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए जाते हैं उनको खिलाया पिलाया जाता है। उसके बाद एक भैया बनाते हैं जो कंप्लीट नहीं होता है, उसको सभी लोग कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग देखिए सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा हाथ लगा के कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद बाहर जाएंगे, एक ईंट रखी है उसको मूसर से फोड़ते हैं ईंट को। तो आप लोग देखिए हम भी करते हैं भाई पानी नहीं है करा जाता डिफरेंट होती है हर जगह की। लगा लगा जो पता लगा तो तुम छोड़ो पूरी करो खोले वहां पर रख के एक झापो तो आता अब थोड़ा थोड़ा उठाओ सेना भाई आ चला वो जाग ले नौ ना ना भाभी तुम जाओ के लो ना आ पैर छुए जा रहे हैं हम भी छू ले अपनी बिटिया के मैच छू लेती हूं इकाई गिर जाई अपन से वो कल से हां अनामिका को उठाओ यार अनामिका कहां गई तू इको ना जमा अच्छा जूता से भरो निकी राव खाओ बनाओ सब लोग आशीर्वाद ले लो किनारे हो
दो एक बिटिया और हो जाए जल्दी से। अब भाइयों को रोचना लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और चूरा कुलिया खिलाएंगे। तो देखिए आप लोग, आप लोगों के वहाँ कैसे होता है भाई दूज, आप लोग भी बताइए कमेंट करके। हमारे वहाँ जैसे होता है हमने आपको दिखा दिया। ऐसे नहीं है, जाओ ना मिका। अरे तो छुपके जाओ, सही चला जाओ। कि हूँ वीडियो बनवाई है रहा चलो चलो ये खिला दो, ये दादा को खिलाओ, दादा को खिला दो। आरू मेरे पास आ जाओ, मौसी के पास आ जाओ बेटा। तो पूजा उजा खत्म हो गई है और आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज कर लेंगे, फिर आ जाएंगे अपने पुराने गेटअप में और फिर एंजॉय करेंगे पूरा दिन गांव में। अच्छा लगता है थोड़ा सा, गांव आओ तो काफी मजा करो सब लोग। और देखते हैं खेत वगैरह घूमने जाएंगे तो दिखाएंगे आपको व्यू वहाँ का। तो हम लोग अपने नीम वाले घर से अभी जा रहे हैं दूसरे घर, वहाँ हमारी दूसरी भाभी हैं, तो जा रहे हैं वहीं दूसरी भाभी दूसरा घर। यार गिर ना जाइयो, कैसा रास्ता का है, फांद के आ जाओ, फांद के आ जाओ। अच्छा ये जा रही, जा रही चीकू को अपने ध्यान से देख रहे हैं। मेरे स्वागत के लिए गेट तो खोलो। दुई वीडियो में कैसे आए तुम, तो तुम यही मैं आ रही हूँ दिखा रही, इधर आई, इधर आ जाओ, खवाओ खवाओ पूरी गई दम के अंदर। ये बिट्टू भाई लगा दो, लगा दो, सोच रहे हैं। ये खिला दो भैया तो थोड़ा सा, तुम ना जो आओ ये भैया खिलाओ, भैया बात करके मजा आ गया, ये खिलाओ इसका, ये खा दे तुम दोबारा, कैसे कैसे दो, अरे ₹1,500 दे, ₹1,745 कर रहे हैं तो ₹1,700 भी लगा के लोगा, हां वही खाए चले अभी आए बाद में चला ओका दद्दू जब धीने को दो हरिया पर सही तो खाए धरी हां दद्दू यहां आ जितेंद्र दद्दू हां दादा ना जा रहा है ये तो जूता ₹1,000 दे रहा है राम का राम दे रहा तो ₹1,600 अरे अमिका तुम पानी ले आ जाओ यार, तो देख सकते हैं आप लोग अंधेरा हो गया है। और देखिए मैं मटन बनने जा रहा है और चूल्हे पे बना रही है मटन, तो देख सकते हैं आप लोग व्यू। ये देखिए नामिका
तो हम चल के आपको अपने गांव का नजारा दिखाते हैं जैसा भी दिखेगा। शाम हो गई है तो अच्छा दिखेगा नहीं वैसे तो, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये यहाँ का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, और गांव के उस पार है जूनियर विद्यालय। एक घर वहाँ पे है जो कच्चा वाला है, वहाँ पे है एक, ये है, और एक घर हमारा उधर है थोड़ा उधर जहाँ हम बचपन में रहते थे, तो वो भी पक्का ही बना है। लाइट्स वगैरह सबने गांव में भी लगा रखी हैं, तो गांव हमारे डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। ये यहाँ पे मूंगफली जो है, हम लोग के वहाँ मूंगफली होती है और तिल्ली भी होती है, तो तिल्ली निकाल के उसको सुखा, तिल्ली निकाल ली गई है तो उसके पेड़ ऐसे सूख रहे हैं, और यहाँ से मूंगफली भी निकल गया है। तो ये जुंगरा इसको बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, तो ये जुंगरा यहाँ पड़ा हुआ है। और हम लोग आए हुए थे तो एक पास बैठ के बातें करी, भाभी लोग अपने अपने मायके चली गई थी भैया दूज लेके, फिर अभी हम लोग घर पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चाय पी लो गाइस, चाय, चारू खेल रही है। अंशी का चाय लाओ, कहाँ अभी तो अभिषेक लाइए, गाइस चाय पी लीजिए। बिट्टू इधर देखो, बिट्टू चारू प्यारू। गाइस देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे पंगत लग गई है, मटन और रोटी चावल चल रहा है। देखिए जीजा जी कैसे खा रहे हैं अभी। और ये देखिए इधर भगत लोग हैं, तो वो वेज खा रहे हैं, सूखा बंदा और रोटी। और ये देखिए यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ दी जा रही हैं। एक रोटी यहाँ पे जल गई है, मम्मी रोटी चूल्हे पे बनाती नहीं है तो उनकी हैबिट नहीं अभी है, तो उनकी रोटियाँ जल गई हैं। चावल ले लो जिसको चावल खाने हो, बड़ी मम्मी रोटी बेल रही हैं और मम्मी पका रही हैं। जवान जवान खाए रहे, अरे तो खा रहे, अरे हम लोग। अंशिका परोस रही है और वो सिस्टर हैं बड़ी हमसे, वो भी परोस रही है खाना। ऐसा है खाए को खा, ये देखिए एक भगत इधर बैठे हैं, चारू जग रही है, चारू ने खा लिया है थोड़ा सा, चारू को नींद नहीं आती है तो चारू जग रही है। चारू इधर देखो, देखे इधर बेटा, नक्कू नक्कू आ रहा है, सर्दी हो गई चारू को। तो चारू तो रुक नहीं रही थी बाहर, तो हम अंदर आ गए हैं। चारू अकेले में खेलना चाह रही थी तो हम इनको यहाँ लेके आए हैं, तो अकेले मस्त खेल रही है। तो हमने अपना खाना अंदर मंगवा लिया है, काफी टेस्टी मटन बना है, इसको खाएंगे हम, फिर उसके बाद हम सब लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे अपना आज का रात। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पास में ही एक बेल आइकन हो पे प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो आ गया है। तो बाय बाय गाइज।